हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इकामा में जो फोटो होता है, जो पिक्चर होता है, उसे कैसे अपडेट करना है, कैसे चेंज करना है, उसका प्रोसेस शेयर करूंगा। जब भी लोग सऊदी अरेबिया आते हैं तो एयरपोर्ट में उनका पिक्चर लिया जाता है और वही पिक्चर उनके इकामा में प्रिंट होता है और वो पिक्चर कभी चेंज नहीं होता है। चाहे आप दोबारा सऊदी अरेबिया आए नए वीज़ा में, तभी भी वही पुराना वाला पिक्चर रहता है, तो आप उस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूँगा। दो पार्ट में बताऊँगा इस प्रोसेस को। पहला, एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ऑनलाइन अफसर अकाउंट से, और दूसरा जवाजात में जाके वहाँ पे बाकी के फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने रहते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि लोग अपना जो इकामा में पिक्चर चेंज क्यों करें, है ना? क्या ज़रूरी है चेंज करने का? बहुत सारे कारण हैं, अपने अपने रीजंस हैं। मुझे लगता है कुछ कारण से ये भी होंगे कि कुछ कारण ये भी होंगे कि जब बच्चा छोटा रहता है उस समय उसका इकामा बनता है, फिर आने वाले दिनों में वो चेंज करना, मतलब बड़ा हो जाता है, वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका जो अपडेटेड फ़ोटो है वो चेंज करना ज़रूरी रहता है, तो इसलिए लोग करते होंगे क्योंकि वो सेम बच्चा वाला ही फ़ोटो अगेन इकामा जब रिन्यू होता है या फिर दूसरे वीज़ा पे आएंगे उनके पेरेंट्स एज ए डिपेंडेंट, वो बच्चा आएगा तो वही रिफ्लेक्ट होगा। वो एक कारण हो सकता है इकामा में फ़ोटो अपडेट करने का। दूसरा ये रहता है कि कई बार लोगों का फेस वगैरह चेंज होता है, कई लोग नॉर्मल आते हैं लेकिन बाद में दाढ़ी वगैरह बढ़ जाता है, तो आइडेंटिफिकेशन में एयरपोर्ट में प्रॉब्लम्स होता है, बाकी के ऑफिसेज में होते होंगे तो वो चेंज करते होंगे। और एक कारण ये भी हो सकता है कि जब लोग आते हैं सऊदी अरेबिया एयरपोर्ट में, ऐसे ही सहमे हुए से होते हैं, तो उस समय एयरपोर्ट में कैसा पिक्चर लेता है, कई लोगों का पिक्चर थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, तो लोग इस कारण के वजह से भी चेंज करना सोच सकते होंगे। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करें। पहली बात, हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा अफसर से। तो आप अपने अफसर अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसके लिए आप गूगल में जाइए। गूगल में जाने के बाद सिंपली अफसर लिखिए। अफसर लॉग इन लिखेंगे तो वो पहला ऑप्शन आ जाएगा। शुरुआत से ही बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे जाइए, आपका अगर ऑलरेडी लॉग इन आईडी और पासवर्ड रखा होगा तो वो आ जाएगा, नहीं तो अपना इकामा नंबर और पासवर्ड लिख के लॉग इन कीजिए। ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जब ओटीपी आएगा तो उससे इंटर करके लॉग इन में क्लिक कर दीजिएगा। मेरा ओटीपी अभी तक आया नहीं है, अभी आ गया है 9927। ओके, ओटीपी डालने के बाद मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आप अपने होम स्क्रीन में आ जाएंगे। इसके बाद आपको जाना है राइट साइड में, देखिए एक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन होगा, उसमें क्लिक कीजिए मोर में। ओके, उस मोर में क्लिक करेंगे तो बहुत सारा और भी ऑप्शंस आएंगे। आपको जाना है पासपोर्ट वाले में, पासपोर्ट में क्लिक कीजिए। इसके बाद में नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड टू सर्विस, पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। प्रोसीड टू सर्विस में क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे बुक न्यू अपॉइंटमेंट जो ऊपर है, अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स के नीचे एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। बुक न्यू अपॉइंटमेंट में क्लिक कीजिए। ये हम लोग अभी देख रहे थे कैसे कैसे हम जवाजात में जाने के लिए अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ले सकते हैं। ओके, तो ये सारे फॉर्म्स हैं। अभी आपकी स्क्रीन में कुछ ऑप्शंस आए हैं, इसमें आप रेसिडेंट सर्विस को सेलेक्ट कीजिएगा। रीजन सेलेक्ट कीजिए, कोई सा भी आपका रीजन है। अगर आप तमाम कोबर में रहते हैं, ईस्टर्न प्रोविंसेस, जद्दा, मदीना, मक्का, जो भी, मैं ईस्टर्न सेलेक्ट करता हूँ। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मैं सेलेक्ट करता हूँ 1। इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, वो भी देख लीजिए। कुड बी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रोसेस। ओके, इसमें ये है कि आपके अगर एप्लीकेंट, आप अकेला जा रहे हैं तो एक सेलेक्ट कीजिए, आपके साथ दो डिपेंडेंट है तो 3 सेलेक्ट कीजिए, अपना और बाकी का। तो यहाँ पे मैं 1 करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस है, ब्रांच नेम है, उन सारों में से कोई भी एक ब्रांच नेम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए मैं दबाम पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद एक कैलेंडर खुल गया जिसमें बहुत सारे डेट्स है, जो टिक वाला है मतलब अवेलेबल है, डेट एंड टाइम के हिसाब से आप चेक कर लीजिए, जो रेड वाला है मतलब वो अवेलेबल नहीं है। कोई सा भी एक डेट, मान लीजिए मैं 26 जुलाई का 10 बजे का सेलेक्ट कर लिया। ओके, 10 बजे का सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ये सारे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आगे लिख दूंगा एडिट करते समय इंग्लिश में कन्वर्ट करके कि ये क्या है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और ये सारे आपके अपॉइंटमेंट का डिटेल है। कन्फर्म अपॉइंटमेंट कर दीजिएगा। कन्फर्म अपॉइंटमेंट कर देंगे तो एक अपॉइंटमेंट बन के आ जाएगा आपका। मोबाइल में भी शायद मैसेज आता है,
तो अपॉइंटमेंट आपका कंफर्म हो गया। वो अपॉइंटमेंट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, वो अरबी में होता है, कुछ लाइंस लिखे रहते हैं उसमें, ओके। तो उसे प्रिंट करके आप ले जाइएगा। ये पहला प्रोसेस पार्ट खत्म हो गया जिसमें आप जवाहजात का अपॉइंटमेंट ले लिए। अब अगर आपका मान लीजिए बिजी हो गया, नहीं जा पाए, तो आप इस डेट को चेंज भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, ओके। अब आप सॉरी, अभी आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, आपको जवाहजात जाना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। अब जवाहजात में जाइए, वहाँ पे जाने के बाद आपको, आपने अपॉइंटमेंट लिया जो टाइम है उस पे जाइएगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक काउंटर में जाना है, काउंटर जहाँ पे कैमरा लगा होगा, उस काउंटर में जाइए। वहाँ पे उनको बताइए कि मुझे अपना इकामा का फ़ोटो पुराना से नया चेंज करना है और ये मेरा अपॉइंटमेंट है चेंज करवाने का। वो आपका प्रॉब्लम अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा समझाइएगा। इसके बाद में वो आपको बोलेगा कि बायोमेट्रिक्स दे, अपना फिंगरप्रिंट चेक करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि आप वही आदमी हो जिनका वो इकामा है नहीं है, जिनके नाम पे वो इकामा इशू है या नहीं, ओके। फिर वो आपका नया फोटो लेगा, ओके, नया फोटो लेगा और वही फोटो आपके इकामा में प्रिंट होगा। ये तो था एक काउंटर में। फिर आपको दूसरे काउंटर में जाना पड़ेगा जहाँ पर आप अपना नया इकामा विथ नया फोटो ले सकते हैं। यहाँ खाली फोटो ही चेंज होगा आपका और इकामा नंबर में सारे इंफॉर्मेशन सेम होंगे। तो ये था प्रोसेस कैसे आप अपना इकामा के फोटो चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले लिए तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं, अगर कैंसिल कर दिए तो फिर दोबारा कैसे लेना, ये सारी बातें। अगर आपने चेंज करवाया होगा और मैंने कुछ मिस करा है इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा ताकि मैं अपडेट कर दूं बाकी लोगों को, क्योंकि मैंने तो अभी तक करवाया नहीं है, बस ये सारे चीज़ इधर उधर से पढ़ के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।